भाई इसके उल्टे लाग लिए। और मैं तो एक के बात कहूँगा योजेपी दलाल भाई, तेरा मैं दम है नहीं, तो किसाना बीच में आ। जिन किसान नेता पर तू भद्र टिप्पणी करानी उनकी बाण बेटियां पर, तो उनका दोहरा कि देख जतरा गात पर ऊँग पाजे तो मेरा नाम बदल दिए। रही हम तेरी बाण बेटियां इज्जत करा हाँ, लेकिन तन्ने मारी बाण बेटियां ऊपर आरोप लगा नहीं, जड़े भी फंस गया किसाना ने जेपी दलाल। और तेरे उनके तो कुर्ते कुर्ते पड़े थे और तेरा कच्छा भी नहीं छोड़ते। हाँ भाई देख लिए, चाहे तो 3 दिन में माफ़ी मांग लेगा ऑन वीडियो रिकॉर्ड। अरे नहीं फिर हम जाना मरा काम जाना भाई, लेकिन मारा पर क्या चढ़ गया नहीं आटा में, या सारी करी कराई बाटी में मिला दें भाई इसको, 100 फुट खड़ा खोड़ की दाब देंगे, इसकी टोया भी नहीं पाओगा। यू तो गेड़ो सूत्रे तो कभी बोले नहीं, मुख्यमंत्री ला ले, प्रधानमंत्री ला ले, MLA ला ले, MP ला ले, सूत्रा तो कोई बोलना आंदा नहीं। ये घबरा रहे है, बोल रहे है कि मेर लगड़े है कि मे चसा है, लाइट मिला गाडी चसा है, वो काम हो रहा है। तो 2024 के अंदर इनको सबक सिखा देगा। 26 बरादरी को बेरा पट गया, पहले जाति पाति हिंदू मुस्लिम किराया करते, जनता श्याणी होगी, अब तो 2024 में देखना है क्या होना है। तो बात करा 3 दिन का जो घेराव था चंडीगढ़ का पूरा करके किसान आने की तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में कृषि मंत्री JP दलाल का एक बयान आया है कि भाई जो किसान है वो घर तक फालतू और बहुत सारे केस लाग रहे हैं और बहुत सारे माता बहना पर कमेंट कर रहे हैं, किसान गुस्से में है, मीटिंग हुई है क्या कुछ उनके मन में बातचीत आपकी कराओगे? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, जो बयान दिया है कृषि मंत्री ने क्या कुछ लगा है? भाई इसके उल्टे लाग लिए। और मैं तो एक के बात कहूँगा JP दलाल भाई, तेरा मैं दम है नहीं, तो किसाना बीच में आ। जिन किसान नेता पर तू भद्र टिप्पणी करानी उनकी बाण बेटियां पर, तो उनका दोहरा कि देख जतरा गात पर ऊँग पाजे तो मेरा नाम बदल दिए। रही हम तेरी बाण बेटियां इज्जत करा हाँ, लेकिन तन्ने मारी बाण बेटियां ऊपर आरोप लगा नहीं, जड़े भी फंस गया किसाना ने JP दलाल। और तेरे उनके तो कुर्ते कुर्ते पड़े थे और तेरा कच्छा भी नहीं छोड़ते। हाँ भाई देख लिए, चाहे तो 3 दिन में माफ़ी मांग लेगा ऑन वीडियो रिकॉर्ड। अरे नहीं फिर हम जाना मरा काम जाना भाई। बात करें तो बहुत सारा जो किसान आंदोलन था उस समय भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, बहुत सारा विरोध भी किया गया था, लेकिन विरोध ने जल्दी भूल भी तो जावा किसान। कुछ नहीं बोलता भाई, सिर्फ सुना सुना है किसान। और जिस दिन इलाज करेगा नहीं उस दिन आपने बेरा भी हुआ किस तरह करा करे। उस मोदी ने भी माफ़ी मांगी थी, उस सब ने माफ़ी मांगी थी। और यो JP दलाल भी अगर तीसरे दिन वीडियो में माफ़ी नहीं मांगता तो इलाज इसका भी पक्का करांगे। बाप में युद्धवीर सहरावत को गिरफ्तार कर लिया जावा है, क्या कुछ फिलहाल मीटिंग हुई है, फैसला लिया गया? मीटिंग यही थी भाई, जो राष्ट्रीय सम्मेलन था कोलंबिया में उसमें जा था 8 सदस्यीय दल, जिसको रात को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था। तो उसमें हमने सारा टोल ने कमेटी ने मीटिंग लेके और हमने यही फैसला लिया था भाई, जब तक मोर्चा ऊपर तक कोई आदेश नहीं देता हम शांति प्रिय यहाँ बैठेंगे। तो अब वहाँ छोड़ दिए गए हैं, तो हम कमेटी ने फैसला लिया भाई, हम अब कोई टोल फ्री नहीं करेंगे ना टोल पर बैठेंगे। सरदार जी बात करें तो पंचकुला में एक जब मीटिंग हो रही थी, इकट्ठे हो रहे थे, जब किसान नेता बात करें कि भाई ऐसे ऐसे बयान आ हुआ है, कितना मतलब इस बयान ने किस तरीके से आप लेके चलो हो? ऐसा है, कृषि मंत्री दलाल जो है ना शुरुआत से लेकर आज तक उसने कभी भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर लिपा पोती करने का उसका काम रहता है। अभी भी फसल बिजाई का सीजन चल रहा है, आप ये देखेंगे कि 1 नवंबर से फसल की बिजाई पूरे पीक पर होती है, 25 अक्टूबर से वैसे तो बिजाई शुरू हो जाती है, लेकिन 1 नवंबर से लेकर के और 15 अक्टूबर तक हिसार में एक भी रैक जो है DAP खाद का उपलब्ध नहीं करवाया JP दलाल ने, कृषि मंत्री ने। जो हिसार ज़िले का कोटा था वो सारा उसका वो रैक वो भिवानी ज़िले में लेकर के गया था। इसी तरीके से जो फसल बीमा की जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके तहत 1,41,039 जो एप्लीकेशन थी सारे जिले की, उनको रद्द कर दिया गया बगैर कानूनों का पालन करते हुए, जबकि कानून ये साफ साफ ये कहता है कि 31 अगस्त के तक आपने जो बीमा की प्रीमियम की राशि काट ली उसको आप रद्द नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी 22 सितंबर 2022 को उस बीमा को कैंसिल कर दिया गया, पूरे के पूरे जिले के जितने भी आवेदन थे फसल बीमा क्लेम के सबको रद्द कर दिया गया। उसके लिए हमने 1.5 साल के करीब हो गया उस लड़ाई को लड़ते हुए, आज तक उन लोगों को हम लड़ाई लड़ने के बावजूद भी सभी लोगों को हम बीमा क्लेम नहीं दिलवा पाए हैं। तो ये सारी जिम्मेवारियाँ कृषि मंत्री की और हरियाणा सरकार की हैं, वो अपनी जिम्मेवारियाँ निभाने से पीछे हट रहे हैं और उसके बावजूद भी ऐसे बेहुदा और बयान देते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग नालायक हैं, निकम्मे हैं, वो अपना किसी भी जिम्मेवारी को निभाने के लायक नहीं है। तो ऐसा बहुत ही निंदनीय है उसका जो कथन है, उसकी हम निंदा करते हैं और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसका हिसार जिले में घुसने पर तुरंत विरोध किया जाएगा। कहीं भी उसको घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेता। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के बारे में उसने जो खराब शब्द बोले हैं, जो गलत शब्द बोले हैं, उस
उसके लिए हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? राम राम भाई, बात करी जाओ तो लगातार इस तरह के बयान भी आ रहे हैं और 3 दिन की रिहर्सल जो भारत के अलग अलग राज्य थे किसान करके वापस भी आ गए हैं, आगे के कुछ रणनीति रहोगी? रणनीति तो यह है भाई, 2024 के अंदर फरवरी में 25-26 को दिल्ली के लिए कूच करेंगे, मीटिंग होली 25-26 तारीख के लिए दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हाँ, इसने अलग जो बयान आता उस पर क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जो रखना चाहोगे? किसके खिलाफ? जो जेपी दलाल है, कृषि मंत्री है बीजेपी पार्टी के। भाई जेपी दलाल वाली ऐसे है, देखो खाद बीज सारा नहीं, मोजा अपने आप ले जा रहा है, मांगना तो चाहिए MLA MPM इन आपका हिस्सा और, लेकिन ये सारे आप आपकी झोली भर है, उसकी लड़ाई लड़े हम ही, ये MLA MPA का को रुका मारना चाहिए, हमारा हिस्सा हरियाणा में चुकर तो बांट के देना चाहिए, लेकिन सारा माड़ियू आपका हलकम ले जा रहा है आगे के वोटों चक्कर में। यह लड़ाई तो करनी चाहिए MLA MPA ने, लेकिन लड़नी पड़ रही है किसानों ने। जो ये परसों बोलिया शब्द है, देखो भाई ने बेटी सबकी एक वो है, हम तो ऐसे गंदे शब्द बोलना नहीं गए, लेकिन हमने मीटिंग में फैसला ले लिया हिसार जिले के अंदर हमने रात में भी 12 जनू मेरा पटिया वहाँ रहा है, बस जड़ तक होगी नहीं उतनी कराएं बक्सा को नहीं। इसको पीछे भी मनीष ग्रोवर है जो बीजेपी के थे विधायक पहले, उनकी तरफ से भी ऐसी कुछ घटना यहाँ पे घटी थी। देखो उसका तो नाम ही लेना चाहिए, इन गंदे आदमियों का नाम ही लेना चाहिए, पिछली बात को घेड़ो, सूत्रे तो कभी बोले नहीं, मुख्यमंत्री ला ले, प्रधानमंत्री ला ले, MLA ला ले, MP ला ले, सूत्रा तो को बोलना आंदा नहीं, ये घबरा रहे है, बोल रहे हैं केमेर लकड़े है केमे चसा है लाइट बिला गाडी चसा है, वो काम हो रहा है। तो 2024 के अंदर इनको सबक सिखा देगा, 26 बरादरी को बेरा पट गया, पहले जाति पाति हिंदू मुस्लिम कराया करते, जनता श्याणी होगी, अब तो 2024 में देखना है क्या होना है। जी, भाई ये कि आज इस तरह बीजेपी सरकार ला लो चाहिए मंत्री ला लो, इसके ये के नारा लेते हुए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारा की जेपी दलाल ने ऐसी की तैसी कर दी नहीं, या ये बीजेपी कड़ा एक्शन ले लो या तो इस नेता पर इस मंत्री पर, नहीं फिर किसान तो लेवेंगे भाई, किसान ना तो मेरा अब एक मौका ऐड़ा बलद भी पैसे नहीं तो उसकी भी खुडे लाइन ला जा रहा है, उसकी भी हलमत जोड़ के जुआ मनू दिखाई जा रहा है, हाँ भाई सीधा चलना है तो उन्होंने माम कराए भाई। जेपी दलाल खुद नहीं बोलिया, इसको पद मिलेगा और भी बड़ा, इस बीजेपी के अंदर है नहीं, बीजेपी के अंदर जो गलत बोल रहा है उसको पद दिया जाता है, आजकल में इसको एक पद और मिलेगा देखना आप, ये सरकार बुला रही है, अरे वो ज्ञान को नहीं, लेकिन मारा भर क्या चढ़ गया नहीं आटा में, या सारी करी कराई बाटी में मिला जाए भाई, इसको 100 फुट खड़ा खोट की दाब जाएंगे, इसकी टोया भी नहीं पाऊंगा यू। जय जवान जय किसान भाई। फिलहाल बातचीत आप तक कराई किसान बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और टोल कमेटी वहाँ पर मौजूद थी, क्या कुछ फैसला लिया आपके सहमी रखी गई बात सारी, मैं वीडियो ज़्यादा शेयर कर दिया जगह वीडियो।